इमरजेंसी गोली यानी 72 हावर वाली जो पिल्स आती है इसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा दोस्तों कि ये गोली आपको 100% फुल प्रूफ नहीं करती। यानी कि आप अगर अपने साथी के साथ संबंध कर रहे हैं और वो संबंध हो गया है असुरक्षित, यानी कि जो साधन आप यूज़ कर रहे हैं वो साधन फेल हो गया है, यानी कि आपसे अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो गया है, तो अब आपको डर क्या रहेगा कि आपका जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप उसको 72 हर वाली इमरजेंसी गोली देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ यही कहूँगा कि ये गोली 100% फुल प्रूफ नहीं है। एक साधन और है जो 100% फुल प्रूफ है, उसी साधन के ऊपर मैं बात करूंगा और आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि एक अनप्रोटेक्टिव सेक्स के बाद आप गोली लें तो कैसे लें और गोली से बचें। अगर आप 100% फुल प्रूफ होना चाहते हैं तो आपको कौन सा साधन यूज करना चाहिए ताकि आप उस अनचाहे गर्भ से बच सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। अनप्रोटेक्टिव सेक्स ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं, आप अभी बच्चा नहीं चाहते तो आप कोई ना कोई साधन का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी मेथड, चाहे आप कंडोम का यूज करें या आपका पार्टनर कोई मालाडी मालायन या कोई भी ओरल पिल्स यूज कर रही है या इंजेक्शन वगैरह हार्मोनल DMPA वगैरह उसने लगवा रखे हैं, तो अगर आप उसके साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं और आप या तो कोई साधन लेना भूल गए या आपका साधन हो गया है फेल, अब होगा क्या? आपको भय रहेगा कि हो सकता है आप अनचाहे गर्भ का शिकार हो जाए, यानी आपको एक ऐसा बच्चा मिले जो आपने कभी प्लान ही नहीं किया था। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, अपने पार्टनर को 72 हावर यानी 72 घंटे वाली गोली खिलाते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब आप सेफ हो गए हैं, अब आपको जो अनचाहा गर्भ है वो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि 72 हावर वाली जो पिल्स है वो सेफ़ नहीं है, 100% फुल प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है ये जानने के लिए हम उसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर बात करेंगे कि वो सेफ क्यों नहीं है। अब अगर वो सेफ नहीं है तो वो कौन सा साधन है जो हम लेके ना सेफ हो जाएं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 72 हावर वाली गोली का काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जितनी भी ओरल पिल हैं, हार्मोनल पिल्स हैं जो हम खाते हैं, यानी हमारे पार्टनर्स या फीमेल्स खाती हैं, उनका जो कार्य करने का तरीका है वो केवल एक ही है, वो ओवरी के अंदर एग को डिलीवर होने से रोकती है। यानी ओवरी से जो एग बन के बाहर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, उस एग की डिलीवरी पर रोक लगाती है। यही काम 72 हावर वाली पिल्स का है। यानी वो पिल्स अगर आपने ले ली अनप्रोटेक्टिव सेक्स के बाद, अगर वो अंडा ओवरी से नहीं निकला है तो वो उस पर फुल स्टॉप लगा देगी, यानी उस अंडे को ओवरी से निकलने ही नहीं देगी। अगर वो अंडा निकल चुका है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, इस कंडीशन में वो गोली फेल हो जाएगी। यानी कि जिस दिन आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्स हुआ है उस दिन एग निकल चुका है ऑलरेडी ओवरी से और वो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, तो चाहे आप कितनी भी 72 हावर की गोली अपने पार्टनर को देते रहिए, वो फेल होगी ही होगी। यानी अगर शुक्राणु उस एग को मिल गया तो वो एग 101% फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज होके ना और महिला गर्भवती होगी ही होगी। इसीलिए डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर जितनी जल्दी हो सके, आप 72 हावर वाली पिल्स ले लें, ताकि ये बहुत कम चांस बने कि ओवरी से एग बाहर निकला न हो, इस कंडीशन में वो सेफ है। अब बात करते हैं कि अगर ओवरी से एग निकल गया, 72 घंटे वाली गोली भी उस कंडीशन में हो जाती है फेल, तो फिर हम उस अनचाहे गर्भ से कैसे बचें? दोस्तों एक साधन है जो आपको उस अनचाहे गर्भ से बचा सकता है, उस साधन का नाम है कॉपर टी या फिर मल्टी लोड। आप अपने पार्टनर को मल्टी लोड लगवा दीजिए हॉस्पिटल में ले जाके, या उसको कॉपर टी लगवा दीजिए, आप 101% फुल प्रूफ हो जाएंगे कि अब आप किसी अनचाहे गर्भ का शिकार नहीं होंगे। ये
पाँच दिन तक इफेक्टिव होती है दोस्तों। आज की डेट में अगर किसी के साथ अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो गया तो आज के बाद 72 घंटे नहीं, आज के बाद यानी आप पाँच दिन काउंट कर लीजिएगा, पाँच दिन के अंदर अंदर भी आप IUCD लगवा देंगे तो भी आप अनचाहे गर्भ से बच जाएंगे। अब हम देखते हैं IUCD का काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो में बताया कि IUCD कभी भी ओवरी के अंदर से जो एग निकलता है उसकी डिलीवरी पर रोक नहीं लगाती। एग निकल जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, शुक्राणु भी गर्भ के अंदर चला गया। IUCD का काम होता है शुक्राणुओं को वीक करना, शुक्राणुओं की स्पीड कम करना, शुक्राणुओं को निष्क्रिय करना। वो एग तक शुक्राणु पहुंचेंगे ही नहीं। अगर बाय द वे वो शुक्राणु एग से मिल गए और एग फर्टिलाइज हो गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आपको पता है 3 से 4 दिन एग लेता है फर्टिलाइज होने के बाद ट्यूब से गर्भ तक आने में। अगर उन 5 दिनों के अंदर अंदर IUCD लग गई तो जो एग है जो ट्यूब से ट्रेवल करता करता गर्भ में आ रहा है, उस फर्टिलाइज एग को पूरे गर्भ के अंदर कहीं भी वो IUCD चिपकने नहीं देगी। अगर वो चिपकेगा नहीं फर्टिलाइज एग, तो फिर होगा क्या, वो एग वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आप एक अनचाहे गर्भ से बच जाएंगे। तो दोस्तों IUCD इसी तरीके से काम करती है, यानी ये एक बहुत अच्छा इमरजेंसी साधन है। तो कभी भी अगर किसी के साथ अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो जाए या फिर कंडोम आप यूज़ कर रहे हैं वो फट जाए, आपको भय हो कि अब आपकी जो वाइफ है या आपका जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकता है, तो 72 घंटे की पिल्स देने से बेटर है कि आप उसे IUCD इंसर्ट करवा दें। 5 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी IUCD इंसर्ट करवा सकते हैं, आप 101% बच जाएंगे उस अनचाहे गर्भ से। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस जानकारी को फैलाइए ताकि और लोग भी इसे देखें और ज्ञान लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी ही कोई और वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।